Guys, welcome or welcome back to my channel. First of all, please ignore my voice and my tired face also. Guys, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी जिसके चलते कि मैं अपना रिव्यूइंग वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. सो आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, सो मैं आप सबके साथ अपना ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ. गाइज, लास्ट मंथ मैंने लैक्मे 925 वाइटामिन सी की रेंज परचेज की थी, जिसको क्लिक में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. एंड मुझे कम्प्लीट 1 month से भी इवन ज़्यादा ही टाइम हो गया उसको यूज़ करते हुए. गाइज, मैं ऑयली स्किन के लिए उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज उसको यूज़ करने के 7 से 8 दिन के बाद मेरे पूरे फेस पे पिंपल्स हो गए. एंड उसके बाद अभी भी मेरे फेस के पिंपल्स ठीक नहीं हुए. एंड जो पिंपल्स ठीक हो गए हैं वो स्पॉट उन्होंने छोड़ दिया है, ब्राउन स्पॉट जैसा. कि आई डोंट नो कि आपको कैमरे पे विजिबल है या नहीं है, बट सी. सो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि ऑयली स्किन वाले, बिकॉज मेरी ऑयली एक्ने पिंपल प्रोन स्किन है. सो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि ऑयली स्किन वाले इस रेंज को यूज करें. इवन दो क्रीम तो उसकी है ही बहुत ज्यादा ऑयली, बट जो सीरम है वो और भी ज्यादा फेस को ऑयली कर देता है. सो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी. प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.